What's up everybody and welcome back to another video. तो गाइस मैं एक बहुत खतरनाक वीडियो की प्लानिंग कर रहा हूँ। अच्छा, और इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक आरसी कार का ट्रैक जो मेरे पूरे रूम में बनने वाला है। अपने आरसी कार का ट्रैक मेरे बेड से चालू होगा, वहाँ से घूमता हुआ जमीन पे आएगा, वहाँ से मेरे टेबल पे आएगा, मेरे पीसी के ऊपर घूमता हुआ जाएगा और उस पूरे ट्रैक के ऊपर से मुझे एक आरसी कार चलाना है। और मैंने इस पूरे ट्रैक की प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी है, बट अगर तुम्हारे पास कोई मस्त आइडिया है तो मुझे कमेंट करके नीचे बताओ। मैं चाहता हूँ गाइस कि तुम लोग इस वीडियो का पार्ट बनो, इसलिए मैं आज के वीडियो से 10 रैंडम लोगों के कमेंट्स को चूज करने वाला हूँ और उनके नाम को मैं लिखने वाला हूँ अपने आरसी कार के ट्रैक के ऊपर। तो गाइस जल्दी कमेंट करो, तुम्हारा नाम अगले वीडियो में दिख सकता है और एक बंदा जो सबसे बेस्ट आइडिया देगा उसके नाम को मैं लिखने वाला हूं अपने आरसी कार के ऊपर। ओ कार से याद आया, हमें इस वीडियो के लिए चाहिए एक खतरनाक सा आरसी कार। तो चलो गाइस हमेशा की तरह चलते हैं अमेज़न पे ढूंढने एक खतरनाक सा आरसी कार। तो गाइस अपना आरसी कार ढूंढने का ना कुछ क्राइटेरिया है, मैंने एक छोटा सा रैंप ऑलरेडी तैयार कर रखा है और इसी रैंप की तरह अपने पूरे आरसी कार का ट्रैक बनने वाला है। तो आज हम जितने भी आरसी कार्स ऑर्डर करेंगे उन सभी कार्स को इस रैंप टेस्ट को पार करना पड़ेगा और अगर कर दिया तो अपन उस कार को सिलेक्ट कर लेंगे और उसी कार से अपन अपना ट्रैक पार करेंगे। तो जो पहला आरसी कार में ऑर्डर करने वाला वो है ये, और ये है एक थार। थार सबसे ज्यादा खतरनाक ऑफरोडिंग कर सकता है, तो भाई इस वाले कार को एड टू कार्ट कर लेंगे। तो अगला मुझे मिला एक ऑल टेरेन व्हीकल विद नाइट्रो बूस्ट एंड प्रोपोर्शनल कंट्रोल मॉन्स्टर ट्रक। मेरे को इसमें से आधा चीज नहीं समझा, मेरे को इतना समझा कि ये ऑल टेरेन व्हीकल है जिसमें नाइट्रो बूस्ट भी है और ये रॉक क्रॉल कर सकता है। और एक सेकेंड, इस आरसी कार में हम लोग ऐसे गेम खेल सकते हैं। अबे ये वाला गाड़ी खतरनाक लग रहा है, ये गाड़ी मेरे को चाहिए एड टू कार्ट। तो तीसरा कार जो मुझे मिला है वो है ये, और मुझे पता है गाइस मैं जानता हूँ कि ये वाला गाड़ी पहाड़ बिहार ऑफ रोड नहीं कर सकता क्योंकि ये एक बुगाटी है, बट गाइस ये गाड़ी एक लिटरली ट्रांसफॉर्मर है। ये गाड़ी मतलब बदल के ऐसे खड़ा हुआ रोबोट बन जाएगा, ये गाड़ी मेरे को चाहिए। और जो लास्ट कार आज मैं ऑर्डर करने वाला हूँ वो है ये है एक 720 HD फर्स्ट पर्सन व्यू वाईफाई आरसी कार, जिस कार को हम लोग आरसी से चला सकते हैं। इसको लिखा भी है कि ऑफ रोड ड्यूरेबल गाड़ी है, प्लस इस गाड़ी के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरा से हम लोग यहाँ पर अपने फोन के अंदर देख सकते हैं। व्हाट द हेल, गाड़ी के ऊपर कैमरा लग के आ रहा है, भाई ये वाला आरसी कार तो मेरे को जरूर चाहिए। सो ऑलराइट गाइस मैंने चल के सभी आरसी कार्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, मैं तुम लोगों से मिलता हूँ आरसी कार्स आने के बाद। ऑलराइट गाइस, तो आज शायद से इस पूरे चैनल के इतिहास में सबसे पहली बार मेरे पास लिटरली हाथ में इतना छोटा सा डब्बा है। तो गाइस इसी के साथ अपन ने जितने भी सारे आरसी कार्स ऑर्डर किए थे सबके सब आकर डिलीवर हो चुका है और सबसे आखिर में आई ये वाला। तो गाइस ये है एक ट्रांसफॉर्मर कार, मतलब ये एक बुगाटी है और ये बुगाटी लिटरली ट्रांसफॉर्मर की तरह ऐसे बड़ा होकर रोबोट बन सकता है। मतलब मेरे को पता नहीं कैसे करेगा, बट ये देख के तो लग रहा है करेगा, तो चल के ट्राई करते हैं। सो ऑलराइट गाइस ये रहा अपना ट्रांसफॉर्मर वाला बुगाटी आरसी कार, ये है अपना थार वाला आरसी कार, ये अपना वो आरसी कार है जिसको अपन लोग फोन से कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक आरसी कार है क्योंकि इस आरसी कार के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है। लिटरली मैं आरसी कार से रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। और ये है अपना वो रैंप, मैंने इसका एक जुगाड़ सा रैंप बनाया है, तो अपना जो रेस ट्रैक होने वाला है उस रेस ट्रैक में इस तरह के रैंप हो सकते हैं, ऐसे ब्रिजेस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगे। तो ये जो रैंप है, इस रैंप में हम लोग सारे आरसी कार्स को ट्राई करने वाले, ये ढूंढने के लिए कि इन सारे आरसी कार्स में से सबसे ज्यादा खतरनाक आरसी कार कौन सा है, और वो जो आरसी कार होगा वो आरसी कार को हम लोग यूज करने वाले हमारे आरसी कार ट्रैक में, जिसको बनाने वाला हूं मैं मेरे पूरे रूम में। मतलब मेरे बेड से स्टार्ट होगा, नीचे जाएगा, मेरे टेबल पे जाएगा, मेरे पीसी के ऊपर से घूमता हुआ आएगा, मेरे को गाड़ी चलाना है भाई, बहुत मजा आने वाला है। अगर ये कैमरा वाला गाड़ी चल गया तो भाई हम लोग एक तो अपना आरसी कार को ट्रैक में चलाएंगे, अपना आरसी कार रैंप्स के थ्रू जाएगा, टनल के अंदर से जाएगा, ब्रिज के थ्रू जाएगा, और उसके साथ साथ इसको हम लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे अपने आरसी कार के कैमरे के थ्रू। मतलब लिटरली अपने को फर्स्ट पर्सन व्यू मिलेगा वो भी रिकॉर्डिंग के साथ, भाई बहुत खतरनाक है। बट सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने ट्रांसफॉर्मर वाले कार के साथ जो कि एक बुगाटी है। एक होटिया इधर आ, कैमरा पकड़। ऑलराइट गाइस इसको खोल के अगर यहां से अपन ऐसा बाहर निकालेंगे तो ये सब ऐसा क्या निकला, बट नीचे से एक बैटरी निकला है और ऊपर गाड़ी पलटी होगा। रुको रुको, गाड़ी को थोड़ा रखते हैं। यहाँ पर अपने पास एक रिमोट है जिससे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें दो बटन भी दिया है, मेरे को पता नहीं इससे क्या होता है, और इसमें अपने को बैटरी लगाना पड़ेगा। और ये रहा अपना आरसी बुगाटी जो कि एक ट्रांसफॉर्मर है। और इसके पिछवाड़े में ये क्या है भाई, इसके पिछवाड़े में बूस्टर लगा हुआ है। बट एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर इनलेट, मतलब क्या हम लोग इसके अंदर पानी भर सकते हैं? अब एक सेकेंड, गोटिया ये बुगाटी अपने पिछवाड़े से पानी छोड़ता है और ये ऐसा पानी ऐसा
और दिख के लोगे भाई नाइट्रो बूस्टर चल रहा है। गोटे एक काम करना, थोड़ा पानी का जुगाड़ करना, कैसे पानी लेके आना। गाइस तो अपने बुगाटी और रिमोट दोनों बैटरी भर लिए, अभी अपने को बस इसके अंदर पानी भरने का। मेरे पास है ये फुसफुस का बॉटल जिससे अपन ऐसा फुसफुस पानी मार सकते हैं। तो ये फुसफुस को ऐसा रखने का और फुसफुस। गाइस ऑलवेज रिमेम्बर, बूंद बूंद से सागर बनता है और फुसफुस से बुगाटी में पानी भरता है। वाह वाह, अच्छा जोक मारा मैं, शायरी मारा। बाय द वे गाइस, अपना जो ये वाला चैनल है वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिटरली तुसा करीब है, जिसका मतलब ये है कि ये जो डायमंड प्ले बटन है वो लिटरली मेरे हाथ के ऊपर बस इधर ही उड़ रहा है। तुम्हें क्या करना है, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसके पास जा रहा है, उसको जोर से मारना, चैनल सब्सक्राइब करना है और ये जो डायमंड प्ले बटन है ये मेरे हाथ में गिर जाएगा। नाइस। और अगर गाइस तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक करो, आज की वीडियो का लाइक गोल रखते हैं 50,000 लाइक्स का। ऑलराइट गाइस, तो आई थिंक इसके अंदर काफी पानी भर चुका है, अभी अपन इसको बंद कर लेंगे। ऊपर से अपना रिमोट कंट्रोल चालू है, तो रिमोट को अगर मैं इसे आगे करूं तो अपना बुगाटी आगे जाएगा, पीछे करूंगा पीछे आएगा, और ये दबाने से ऐसे गोल गोल घूमेगा जिससे हम लोग बुगाटी को राइट या लेफ्ट टर्न मार सकते हैं। अब गाइस अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं ये बुगाटी से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि ये अपना जो आरसी कार ट्रैक है उसको पार कर पाएगा, क्योंकि उस कार ट्रैक के अंदर होने वाला है खतरनाक से रैंप्स, खतरनाक वाले ब्रिजेस जहां पे अपने आरसी कार को ब्रिज पार करके यहां से वहां तक जाना है, और अपना आरसी कार नीचे गिर भी नहीं सकता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज, हमारे आरसी कार को पत्थरों के पहाड़ पे चढ़ना है, और गाइस बुगाटी उस काम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बट इस कार का सबसे खतरनाक चीज ये है कि ये एक ट्रांसफॉर्मर्स गाड़ी है और इसके अंदर हम पानी भर सकते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मर्स पानी का टैंकर गाड़ी है। ऑलराइट गाइस, चल के बुगाटी को ट्राई करते हैं। ओके, तो रिमोट में यहाँ पे दो और बटन दिया हुआ है, अगर मैं इस बटन को दबाऊं तो क्या होगा। ओ व्हाट द हेल, गुटन वो दिख रही है भाई, पीछे से पानी नहीं मतलब, हाँ ये बस वो पानी स्प्रे मार रहा है लाइट जला के। व्हाट द हेल, इसके पीछे से पानी आता है और लाइट जलता है, साथ में पानी आता है, जो देख के एक्चुअली लग रहा है कि गाड़ी के पीछे बूस्टर चल रहा है। कितनों कैमरे में दिख रही है चीज भाई, लिटरली ये तो बूस्टर लग रहा है। मतलब इमेजिन करो इसको चालू करके अगर तुम गाड़ी को चला रहे हो, तुमको लगेगा लिटरली तुम्हारा गाड़ी पे ऐसा पीछे बूस्टर लगा हुआ है। एक्चुअली सच बताऊं तो ये जो बुगाटी है ये फुसफुसा काम कर रहा है। ऑलराइट गाइस, अभी आते हैं इस गाड़ी के सबसे खतरनाक फीचर की तरफ, ट्रांसफॉर्मर। तो ये गाड़ी पे अगर मैं ये वाला बटन दबाऊं तो ये गाड़ी ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। ओके, पहले गोल गोल घूमेगा और ओ भाई ट्रांसफॉर्मर के खड़ा हो गया। और ये क्या, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ? ओ भाई जमीन पे कितना फास्ट चल रहा है भाई, पिछवाड़े से आग निकलता हुआ ट्रांसफॉर्मर्स। गाइस ये ट्रांसफॉर्मर्स को देखो, इसके पिछवाड़े से कैसा आग निकल रहा है भाई, क्या है यार। गाड़ी के पिछवाड़े से धुआं निकल रहा है। और अभी का समय आ चुका है इस गाड़ी के अल्टीमेट टेस्ट का, क्या ये गाड़ी हमारा रैंप जंप कर पाएगा। अगर इस गाड़ी ने रैंप जंप कर लिया, रैंप को सर्वाइव कर लिया, तो ये गाड़ी पास है, अगर नहीं कर पाया तो गाड़ी फेल, इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट गाइस, क्या ये बुगाटी इस रैंप पे जंप कर पाएगा। 3, 2, 1 पिछवाड़े का पहले आग चालू करते हैं और गो बुगाटी, अटक गया बस खत्म। ऑलराइट गाइस, बढ़ते अपने अगले आरसी कार की तरफ। अगला बारी है अपने थार की, और भाई ये थार को देखो जिसके ऊपर जियोप लिखा है और इसके ऊपर रशियन लिखा हुआ है। तो यस गाइस, मैंने अमेज़न से रशियन खरीद लिया, मुझे पता है मेरे अमेज़न की वीडियो से कमेंट तुम लोग भर भर के लिखते हो रॉनी अमेज़न से रशियन मंगा, और यस गाइस मैंने आज अमेज़न से फाइनली रशियन मंगा ली गाड़ी जियो। तो गाइस इस डब्बे के अंदर थार आया हुआ है, फॉर सम रीजन उस डब्बे के ऊपर यहाँ पर फरारी बना हुआ है, मेरे को पता नहीं यहाँ पे फरारी क्यों बना हुआ है। तो एक्चुअली ये जीप रूबीकॉन है, यहाँ पे रूबीकॉन लिखा होना चाहिए था, तो सालों ने रशियन लिख के दे दिया। वेरी गुड भाई, रशियन लिख के पकड़ा दिया। तो गाइस तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि थार कितना ज्यादा कूल गाड़ी है भाई। थार लेके अगर तुमने स्लो पंजाबी लो फाई म्यूजिक लगा के तुमने अगर अपना रील नहीं बनाया तो भाई तुमने क्या थार। और ये तो मैं थार खरीदने गया था, बट जीप निकला, लोग जाते जीप लेने थार लेके आते, मैं गया था थार लेने, मैं जीप रैंगलर लेकर आया हूँ। ओह शिट, तो थार को बाहर निकलते हैं और इस पे बैटरी लगाते हैं और देखते हैं क्या ये थार अपना ये रैंप सरवाइव कर पाएगा। तो यार प्रैक्टिकली जो ये वाली गाड़ी है ये ऑफ रोडिंग का किंग होना चाहिए, मतलब इस गाड़ी के साथ मैं मेरे आरसी ट्रैक को आराम से पार कर सकता हूँ, मतलब मैं इसको रैंप पे चला सकता हूँ, मैं इसको ब्रिजेस पे डाल सकता हूँ, मैं इसके थ्रू पहाड़ के ऊपर जा सकता हूँ जो पत्थरों का बना होगा,
और इसीलिए इस गाड़ी का टेस्टिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सच बताओ मेरे को बुगाटी से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था, मेरे को इससे बहुत उम्मीद है। सो गाइस, क्या अपना थार इस रैंप के थ्रू जा सकता है? ऑल राइट गाइस, तो ये अपने रशियन थार के सामने यहाँ पे हेडलाइट लगा हुआ है और आई थिंक अगर मैं इसको आगे करता हूँ, अबे चलता नहीं क्या ये? वाह, बैटरी ऑन नहीं, क्या सोचा चलता नहीं डूब रहे। ऑलराइट गाइस, अपन चालू कर दिया, लेट्स ट्राई। तो अगर अपन इसको आगे ड्राइव करेंगे तो भाई इसके सामने का हेडलाइट जलता है, व्हाट द हेल, इसके सामने हेडलाइट लगा हुआ है जो मस्त वाला जलता है और भाई ये बहुत ब्राइट है। मतलब अगर यहाँ पे कमरे में अंधेरा हो ना तो ये इनफ ब्राइट है कि पूरे कमरे में अच्छा खासा लाइट कर देगा। ऑलराइट गाइस, तो यार इसको यार इस गाड़ी का कंट्रोल मेरे को बहुत पसंद है यार, ये गाड़ी अच्छा सा कंट्रोल, बट यार ये गाड़ी टर्न मारने में थोड़ा सा हग रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसा टर्न मार के प्रिपेयर करते रैंप के लिए। सो ऑलराइट गाइस, अभी समय आ चुका है थार वर्सेस रैंप, क्या ये अपना थार रैंप चढ़ पाएगा और मेरे को इस गाड़ी से बहुत उम्मीद है। सो ऑलराइट गाइस, इन 3, 2, 1, ये तो हक दिया। मेरे को लगा ये रैंप के ऊपर चढ़ के उधर कहीं उड़ के जाएगा खिड़की के बाहर, बट इधर ही हक दिया। गाइस एक और ट्राई मारते, 3, 2, 1, GO! ये लिटरली जाके इधर अटक जा रहा है, ये इसके ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा है। What the hell बे? मेरे को ये गाड़ी से बहुत ज्यादा उम्मीद था कि रैंप भी नहीं चढ़ रहा है। Guys, I'm very disappointed. इसका मतलब ये है कि अपना जो ये रशियन थार है, ये थार रैंप नहीं चढ़ पाएगा। और इसी के साथ गाइस, इस रशियन थार का सफर हमारे साथ यही पर एंड होता है, क्योंकि अगर ये रशियन थार ये रैंप चढ़ नहीं सकता है तो ये भाई ब्रिज कैसे पार करेगा, ये पहाड़ कैसे चढ़ेगा, ये जंप्स कैसे मारेगा, ये रैंप पे भागेगा कैसे? बढ़ते अपने अगले कार की तरफ। ऑल राइट गाइस, तो अगला हम लोग आते इस आरसी कार के तरफ, जो की है एक ऑल टेरेन आरसी कार। और इस कार का सबसे खतरनाक फीचर ये है कि इस कार को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन के थ्रू। ये गाड़ी को हम लोग फोन के साथ एआर में गेम खेल सकते हैं, मतलब इस गाड़ी में ऑगमेंटेड रियलिटी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें समझाऊं क्या होगा, मतलब तो इसका मतलब ये है कि जब तुम इस गाड़ी को चलाओगे और तुम इस गाड़ी को अपने फोन के कैमरा के थ्रू देखोगे तो गाड़ी के आसपास कुछ चैलेंजेस आएंगे जिसको तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो और वो होगा ऑगमेंटेड रियलिटी में। आई नो गाइस, सुन के बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो जल्दी इसको खोलते हैं और तुम लोगों को मैं एक्चुअल में दिखाता हूं काम कैसे करता है। ऑलराइट गाइस, तो डब्बे से इसको बाहर निकालेंगे और इसके अंदर यहां पर लिखा हुआ है ऑल टेरेन व्हीकल। और एक्चुअली पता क्या है, ये जो डब्बा है, इस डब्बे का हम लोग रैंप बना सकते हैं। मतलब गोटिया, अपन लोग ने नुबड़े जैसा इतना मेहनत करके ये चिपका चिपका के बनाया, इसको हम लोग लिटरली ये कार्डबोर्ड के डब्बे से बना सकते हैं। बट नहीं गाइस, मैं मेरे पूरे कमरे के अंदर एक खतरनाक सा आरसी का भाई ट्रैक बनाने वाला हूँ। लिटरली GTA 5 का जो रेस होता है उसको हम लोग रियल लाइफ में आरसी कार्स के साथ करने वाले, और उसको बनाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑलराइट गाइस, चल के इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इसको अगर खोल के निकालेंगे तो इसके अंदर सिर्फ एक आरसी कार होता है। इसको हम लोग कंट्रोल फोन से करने वाले, तो इन लोगों ने अंदर रिमोट ही नहीं दिया। इसके अंदर लिटरली एक आरसी कार है और इसके अंदर एक वायर है जिसे चार्जिंग कर सकते हो। और ये वायर कितना सा है भाई, तू से वायर से चार्जिंग कैसे करेगा कोई, ये वायर गाड़ी से निकलते खत्म हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सस्पेंशन दिए हुए, अबे यार ये मस्त है। मतलब गाड़ी का अगर सस्पेंशन खराब हो गया या टूट गया फॉर सम रीजन तो हम लोग आई थिंक इससे इसको चेंज कर सकते हैं। और नीचे एक किताब दिया हुआ है, और गाइस इतना अगर मेरे को पढ़ना होता तो मैं डॉक्टर बन जाता। So, all right guys, अपन ने इस गाड़ी को अपने फोन के साथ कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर अगर तू फोन में देखोगे तो ये गाड़ी का नाम है रेंजर, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इसके थ्रू। और यहाँ पे आई थिंक मेरे को मल्टीपल गेम मोड्स दिख रहा है, मतलब यहाँ पर एक फ्री प्ले है, यहाँ पर एक प्रैक्टिस मोड है, यहाँ पे एक फ्रूट हंटर है, और यहाँ पर एक एस्केप रूट है। मतलब ये एस्केप रूट में शायद से हमारे गाड़ी के आसपास AR में हमको एक मेज दिखेगा जिसको मैं पार करना है। बट सबसे पहले चल के गाड़ी को यहाँ से ऑन करते, और वो गाड़ी ऑन होती ही गाड़ी का 2-3 चक्के घूमे और यहाँ पे अपने को टैप करके कनेक्ट करना है। ये अपने गाड़ी से कनेक्ट हो चुका है, तो अभी अगर मैं लिटरली प्रैक्टिस मोड में जाऊँ तो शायद से मैं इस गाड़ी को नॉर्मली इस कंट्रोल के थ्रू चला सकता हूँ। ओ भाई ये देखो, यहाँ पे कंट्रोल है जिससे मैं चक्के को ऐसा लेफ्ट राइट कर सकता हूँ। हाँ, ये लिटरली बगमी ही कंट्रोल से, मतलब ऐसा लग रहा है फोन में बगमी खेल रहा हूँ, बस डिफरेंस इतना है यहाँ पे गाड़ी मूव करेगा असली में। तो अगर आप इसको आगे करेंगे तो अपना गाड़ी आगे जाएगा, और भाई गाड़ी में लाइट्स लगे हुए, व्हाट द हेल। ओ सामने के लाइट्स नहीं जलते, पीछे के लाइट जलते हैं, और इसके ऊपर यहाँ पर ओ ओ अरे वेट एक सेकेंड, हेडलाइट के अंदर बटन दिया है, मैं ये बटन प्रेस करने से हेडलाइट चालू होगा लिटरली टच स्क्रीन में। और यहाँ पे अपने वो दिखा भी रहा है कि इस गाड़ी में कितना बैटरी, यहाँ पे 38% बैटरी बचा हुआ है। तो गाइस थोड़ा सा गाड़ी को भगाते यहाँ पर ऐसे मस्त वाला अपन गाड़ी को ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं, हेडलाइट चालू कर सकते हैं, और आई थिंक यहाँ पर एक ब्रेक भी दिया है। ओ ओ वेट एक सेकेंड, ये देखो गाड़ी जाएगा फुल स्पीड ब्रेक। ओ
भाई मतलब ये गाड़ी को रोकने के लिए क्या खतरनाक है। और बाय द वे जितना मैं गाड़ी को आगे पीछे चला रहा हूँ, ये एक रॉकेट शिप जो है ये चार्ज हो रहा है, और आई थिंक सो ये इस गाड़ी का बूस्टर है, और अभी हम लोग इसको एक्चुअली बूस्टर के साथ जंप करवाने वाले हैं। 3, 2, 1 गो। ओ शिट, गाड़ी चढ़ तो गया रैंप के ऊपर, बट रैंप गाड़ी पार नहीं कर पाया। रैंप के ऊपर चढ़ के गाड़ी रुक गया। अबे यार, मेरा ये गाड़ी से बहुत ज्यादा उम्मीद था गाइस, क्योंकि ये लिटरली एक ऑल टेरेन व्हीकल था, और ये गाड़ी तो बहुत खतरनाक तरीके से रैंप पार करना चाहिए। बढ़िया, ये गाड़ी भी हंस दिया रैंप पे जाके। गाइस एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 3, 2, 1 गो। ये तो टट्टी है। ये गाड़ी रैंप चढ़ के हक दिया, इसका मतलब इस वाले गाड़ी को भी हम लोग हमारे आरसी कार के ट्रैक में नहीं यूज कर पाएंगे। सो गाइस, हमारा अभी आखिरी उम्मीदवार बचता है, जो कि है वो वाला कैमरा वाला गाड़ी। क्या वो कैमरा वाला गाड़ी इस रैंप को पार कर पाएगा? अगर इसने रैंप पार कर लिया तो ये गाड़ी बन गया द विनर, और ये गाड़ी को हम लोग यूज करेंगे हमारे आरसी कार के रैंप के लिए। पर उससे पहले गाइस, ये वाला गाड़ी रैंप तो नहीं चढ़ पाया, बट फॉर्चुनेटली इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे खतरनाक फीचर्स हैं, तो सबसे पहले चल के इन फीचर्स को ट्राई करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर ही अपने को दिखा रहा है कि अपना गाड़ी कितना मूव हुआ है। ये अपना ड्रिफ्ट मारा है, मैंने ड्रिफ्ट तो नहीं मारा, बट ड्रिफ्ट बता रहा है, और ये इससे तो हम लोग गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं आगे पीछे। बट यहाँ पर एक दूसरा कंट्रोल सिस्टम है, जिसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड का कंट्रोल गायब हो गया, क्योंकि अभी ये लिटरली एक जायरोस्कोप कंट्रोल गाड़ी बन चुका है। इमेजिन करो, तुम अपने फोन के जायरोस्कोप से गाड़ी कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल पीछे भाई की तरह। तो यहाँ पे अगर देखोगे, जैसे ही मैं फोन को ऐसे घुमाऊंगा, गाड़ी का टायर मूव कर रहा है, ऐसे घुमाऊंगा गाड़ी का टायर, इस पे मूव नहीं कर पा रहे, बट अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो गाड़ी का टायर इधर आ गया, ऐसे घुमाओ टायर उधर आ गया। इस गाड़ी के साथ कोई भी रिपोर्ट नहीं आया, ये लिटरली मेरे ऐसे फोन को मूव करने पे गाड़ी को टर्न मार सकता है। मतलब मैं आगे लूंगा, ऐसे घुमाऊंगा तो गाड़ी भाई टर्न मार जाएगा, और अगर ऐसे घुमाएंगे तो गाड़ी टर्न मार के वापस आ जाएगा। बट गाइस, इस गाड़ी में और भी फीचर्स है। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग चल के इस कार के सबसे ज्यादा कूल फीचर को ट्राई करने वाले, जो कि है ऑगमेंटेड रियलिटी गेमिंग। मतलब ये कार के डेवलपर्स ने क्या किया है, इसको कार को लिया है और उसमें गेम डाल दिया, जो तुम अपने फोन पे खेल सकते हो। तो यहाँ पर अपने पास मल्टीपल गेम्स है, पर सबसे पहले हम लोग ट्राई करने वाले फ्रूट हंटर। तो अपन ने यहाँ पर फ्रूट हंटर चालू कर लिया, जो कि बता रहा है कि ये एआर इंजन में चालू होगा, और चालू होने के बाद ये जो एआर इंजन है, हम लोग इस एआर इंजन के थ्रू कैमरा के थ्रू इस गाड़ी को देखने वाले। फोन को ऐसा घुमा लेंगे जिससे इसको गाड़ी दिख जाए, और इसने गाड़ी को ट्रैक कर लिया। ये देख रहे हो गाड़ी के ऊपर लिटरली ऐसे ग्रीन कलर का एक ऐसा डंडा लगा दिया है, और अब इसको प्लेस कर देंगे। ओके, तो इसने ट्रैक कर लिया है कि ये जो पूरा अपना बिस्तर है, इस बिस्तर पे हम लोग इसको चला सकते हैं। और ये रहा, यू आर डूइंग ग्रेट, ड्राइव और प्लेस। ओह, व्हाट द हेल, तुम लोगों को दिख रहा है गाड़ी वहां पे रियल लाइफ में एक्चुअली मूव हो रहा है, और वो जो मूव गाड़ी वहां पर हो रहा है वो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा के थ्रू। और मैं गाड़ी को ऐसा आगे लेकर, मैं ये क्या है, ये घुमाने का ऑप्शन है गाड़ी को। ओके, तो अपने को करना क्या है, मूव अराउंड योर टॉय। ओके, अपने को पहले टॉय को मूव अराउंड करना है ताकि ये ट्रैक कर सके, और ये आई थिंक ट्रैकिंग खत्म हो गया। तो क्या अभी गेमिंग चालू होगा? ओके, तो अपना ट्रैकिंग गाड़ी का हो चुका है। अभी लिटरली अगर मैं इसको पीछे लूंगा ऐसे, तो ये ओके नहीं चला, क्योंकि अपने रेडी करना है, तो अपन रेडी कर लिया। ये चालू करते अपन आर्केड। ओके, ओ शिट, एक सेकंड, अपने गाड़ी के ऊपर एक फल आ रहा है। ओ वेट, ये करना क्या है मेरे को, मुझे कैसे कनेक्ट करना है इनको? अबे शिट, ये थोड़ा डिफोकस हो गया। ओ यस, अपना गाड़ी फोकस में आ चुका है, बट अभी प्रॉब्लम मालूम है क्या है? ओ, मैंने कुछ तो उठा लिया। ओ, मैंने वाटरमेलन ले लिया। ओके गाइस, ये मेरा कैमरा ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा है, बट इससे मैं ऐसे मैं फ्रूट्स कलेक्ट कर सकता हूँ। और गाइस, गाड़ी जो है वो रियल लाइफ में एक्चुअली पीछे मूव हो रहा है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग ट्राई करने वाले अगला गेम, जो कि है एस्केप रूट। तो अपन ने एस्केप रूट चालू कर लिया है, और ये अपना एस्केप रूट यहाँ पर चालू हो रहा है, तो ये अपना गाड़ी तुमको वहां पे नीचे दिख रहा है। ऑलराइट गाइस, अपना कैमरा चालू हो चुका है, गाड़ी यहाँ पर नीचे है, अपने को प्लेस एरिया करना चाहिए यहाँ पर, तो ये प्लेस हो गया है। अभी ये बोल रहा है कि स्कैन योर टॉय एंड वेट फॉर द रेड मार्कर टू टर्न ग्रीन। ग्रीन कैसे टर्न होगा ये रेड मार्कर? आई थिंक मैं गाड़ी को ऐसे उठा के रख सकता हूँ यहाँ पर। ओह यस, अपन ने कर लिया, गाड़ी को उठा के रख लिया, और यहाँ पर अपना यू आर डूइंग ग्रेट आ चुका है। तो अभी ये टॉय ट्रैकिंग कर रहा है, तो मेरे को बस गाड़ी को थोड़ा सा लेफ्ट राइट चलाना है, आगे पीछे घुमाना है, जिससे ये ट्रैकिंग थोड़ा सा कर ले। तो आई थिंक ये ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ट्रैकिंग ठीक से कर पाएगा तो ही अपना गाड़ी गेम जो है वो सही से चलेगा। और ये पता नहीं यार बार बार ब्लर क्यों हो रहा है। आई थिंक अपन ने इसको इनफ ट्रैकिंग डेटा अभी दे दिया है। ओके, अपना गाड़ी ट्रैक हो चुका है, अपना एस्केप रूट चालू हो गया है। ऑलराइट गाइस, इन 3, 2, 1 स्टार्ट। ओके, तो ये अपना लेवल नंबर 1 है, और लेवल नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट हो जा। स्टार्ट का बटन मैं दबा रहा हूं, बट ये स्टार्ट नहीं हो रहा है।
ओ आई थिंक मेरे को गाड़ी को उठा के इस ग्रीन वाले के अंदर हिस्सा रखने का है। तो अपन ने कहा ओ यस, अपन ने गाड़ी को अभी ग्रीन में रख लिया और अभी मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। ओ वेट अ सेकंड, यहाँ पे तुमको सामने चीजें दिख रहे हैं, मेरे को इन चीजों को अवॉइड करना है। और ये गाइस एक्चुअली सिर्फ मेरे फोन के अंदर मेरे को कैमरा के थ्रू एआर में दिख रहा है, ये तुमको बिल्कुल भी रियल लाइफ में नहीं दिखता। अपन ने लेवल कंप्लीट कर लिया। ऑलराइट, तो ये रहा अपना अगला लेवल और इस लेवल में अपने को फिर से ये ऑब्स्टिकल पार करना है और अपने को येलो मार्कर के अंदर गाड़ी को लेकर जाना है। ओशिट, मैं स्टार्ट नहीं किया था, अपने को यहाँ पे स्टार्ट करना है और ये अपना अगला लेवल स्टार्ट हो चुका है। ऊपर एक छोटा सा टाइमर भी है कि उस टाइम के अंदर ही अपने को कंप्लीट करना है और इसे मुझे फिर से ले जाना है इस येलो मार्कर के अंदर। लेवल कंप्लीट हो गया। नाइस भाई यार, ये कितना खतरनाक और कूल कांसेप्ट है। बस उसमें मजा तो आता है पर वो चीज लिटरली हजारों सालों से चली आ रही, इस पे किसी ने कुछ चेंज नहीं किया और यहाँ पर किसी ने लिटरली ये वाला खतरनाक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। शिट यार, अगर ये चीज मेरे को बचपन में मिलता ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता। बता रहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं येड़ा हो जाता देख के। ये इतना कूल चीज है। ऑलराइट गाइस, तो अभी तक हमने जितने भी सारे आरसी कार ट्राई किए उनमें से एक भी आरसी कार ये रैंप को सक्सेसफुली जंप नहीं कर पाया है। सारे के सारे आरसी कार फेल। और इसका मतलब ये है कि मैं जो आरसी कार का ट्रैक बनाने वाला हूं उस पे चलाने के लिए अपने पास अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं है, बट हमारे पास एक लास्ट आरसी कार बचा हुआ है और मुझे इससे बहुत उम्मीद है गाइस, और वो है ये है अपना कैमरा वाला आरसी कार। ये आरसी कार के ऊपर लिटरली एक कैमरा लगा हुआ है और इसका मतलब ये है कि इस आरसी कार को चलाते हुए हम लोग इस कैमरा से इस आरसी कार के पर्सपेक्टिव को रिकॉर्ड कर सकते हैं। गाइस मैं बता रहा हूँ, मैंने मेरे लाइफ में बहुत सारे कूल चीजें ट्राई किए बट ये कैमरा वाला आरसी कार बहुत ज्यादा कूल है। तो जल्दी चल के इसको खोलते। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वायरलेस कैमरा सीरीज एंड ऑफ रोड व्हीकल दैट कैन टेक पिक्चर्स एंड वीडियो, और इस पे यहाँ पे बस कैम लिखा है। अभी तक गाइस अपन ने एक आरसी कार ऐसा देखा है जिसको लिखा हुआ है कि ऑल टेरेन व्हीकल, बट अनफॉर्चुनेटली वो ये रैंप भी पार नहीं कर पाया। बट क्या ये गाड़ी रैंप पार कर पाएगा? तो डब्बे से गाड़ी को बाहर थोड़ा डिफिकल्ट निकालना। ऑलराइट गाइस, तो गाड़ी को अपन डब्बे से बाहर निकाल लिया। ये रहा गाड़ी का कंट्रोलर और कंट्रोलर के ऊपर फोन लगाने का जगह। आई मीन ऑफ कोर्स इसमें सामने मुझे क्यों तोड़ा? अच्छा ये निकलता भी, मतलब तोड़ा नहीं मैंने, ये अगर तुमको नहीं यूज करने का है तुम इसको ऐसा निकाल के रख सकते हो, बट तुमको अगर फोन लगाने का है तो तुम फोन को इस पे लगा के उसको यहाँ पे लगा सकते हो। अबे यार ये सही चीज है यार, मतलब तुमको गाड़ी को लिटरली देखने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा गाड़ी अगर दीवार के पीछे कहीं कोने में कहीं चला गया, तुम बस यहाँ फोन पे कैमरा में देखो व्यू और गाड़ी को चला कर लेके आओ। तो यार गाइस ये गाड़ी का रिमोट हो गया, अब जाके गाड़ी को बाहर निकालते हैं। तो ये अपना गाड़ी, ये रहा अपना कैमरा वाला आरसी कार और इसके ऊपर यहाँ पर एक मस्त सा कैमरा लगा हुआ है। ये को देख के लग रहा है कि ये गाड़ी शायद से इस रैंप को पार कर पाएगा, मतलब इस गाड़ी को देख के मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऑलराइट गाइस, समय आ चुका है इस गाड़ी के अंदर बैटरी लगा के इस गाड़ी को चला के ट्राई करना कि क्या ये गाड़ी रैंप को जंप कर पाएगा। मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि प्लीज ये वाला गाड़ी चल जाए क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर कैमरा लगा है। मतलब इमेजिन करो अपना आरसी जो ट्रैक बनाने वाले अपन, उसके अंदर ये गाड़ी जाएगा बेड के ऊपर से नीचे और यहाँ से वहां टनल के अंदर ब्रिज के ऊपर, हम लिटरली गाड़ी का फर्स्ट पर्सन व्यू देख सकते हैं। क्या खतरनाक मजा आएगा उसमें। तो ऑलराइट जल्दी जल्दी इसको खोलते हैं और खोल के अंदर बैटरी लगाते हैं। ये रहा गाड़ी का बैटरी। ऑलराइट गाड़ी का बैटरी लग गया और व्हाट द हेल, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बैटरी नहीं है गोटिया, ये बैटरी अंदर जा ही नहीं रहा है। अबे इसके साथ गलत बैटरी दिया किन लोगों ने? अबे यार क्या है बे, ये बैटरी गलत दे दिया गाइस। ये देखो बैटरी इसके अंदर जा ही नहीं रहा है, इसका अंदर का कंपार्टमेंट इतना सा है और ये बैटरी इतना बड़ा है। तो ये जितने भी आरसी कार्स है सब आरसी कार में ऐसे ही बैटरीज लगता है और यूजुअली जो बैटरी होता है वो इसके अंदर बैठ जाता है, बट इसका बैटरी कुछ ज्यादा ही बड़ा है जो इसके अंदर नहीं बैठ रहा है। तो बिना बैटरी को अंदर घुसाएगा इसको चलाएंगे तो ये ऐसा आगे चलेगा बैटरी को लेके घसीड़ता हुआ, और इस तरह से तो इस गाड़ी को हम लोग ट्रैक पे यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऑलराइट गाइस, तो अपन ने रिमोट बैटरी लगा दिया है, अपन ने इसके बैटरी को भी ऐसा टेप से चिपका दिया है, मतलब और कोई ऑप्शन तो है नहीं, अंदर जाएगा नहीं। इस कार का जो कैमरा है, इस कैमरा को यूज करने के लिए अपने को फोन का ऐप यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अपन अभी इस आरसी कार का जो मोबाइल ऐप है उसको इंस्टॉल करने वाले हैं, और इसको इंस्टॉल करते ही ये फोन मेरे को वार्निंग दे रहा है, ऐप मे कंटेन वायरस और मालवेयर दैट माइट डैमेज योर डिवाइस और डिस्क्लोज पर्सनल इन्फॉर्मेशन।
नेवर माइंड गाइस, थोड़ी सी फट रही है बट हम लोग इसको फिर भी इंस्टॉल कर लेंगे। ऑल राइट गाइस, तो ऐप इंस्टॉल हो गया है, चल के ऐप को चालू करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अपना ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है, मेरी फटी पड़ी है क्योंकि ऐप को चालू करने से पहले अच्छा खासा वार्निंग मिला था। ओके गाइस, तो अपना ये भी ऐप चालू हो गया है। ऐप चालू होते ही यहाँ पर पीछे ऐसा एक रास्ता दिख रहा है, मेरा गाड़ी भी यहाँ पे चालू है। व्हाट द हेल, इसके अंदर कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मतलब यहाँ पर एक कैमरा का शटर बटन दिया हुआ है बट उसको प्रेस करें बस आवाज आता है और उससे कुछ नहीं होता है। ये क्या है? ओ, इसके अंदर कंट्रोल्स है, मतलब हम लोग इससे गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी अपन ने रख दिया यहाँ पर और देखते हैं कि क्या अपन गाड़ी को फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। 3, 2, 1, अपन कुछ नहीं कर सकते। ओ अबे एक सेकेंड, अपने को ये गाड़ी के वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट करने का है। ओके गाइस, तो अपन ने वाईफाई कनेक्ट कर लिया है, अभी चल के इसके प्ले पे क्लिक करते हैं। तो इसको सारा डिवाइस का लोकेशन भी चाहिए, ठीक है वो भी ले ले। और ओ ये इस गाड़ी का कैमरा चल रहा है और ये बहुत गंदा कैमरा है गाइस, मतलब कतई वाहियात कैमरा है। हेलो गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये बहुत गंदी क्वालिटी का कैमरा है पर एटलीस्ट कुछ ने तो एटलीस्ट कैमरा तो है, मतलब इसमें कैमरा इसमें लगा हुआ है, मैं इसमें कैमरा लगा के तुम लोग से बात कर सकता हूँ। एनीवे गाइस, चल के इसको चला के ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अपने को कैमरा से व्यू दिख रहा है, सामने अपना रैम रखा हुआ है और अगर हम लोग अभी फोटो लेंगे तो आई थिंक हम लोग फोटो ले सकते हैं और हम लोग आई थिंक इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओके, ये अपना वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो गया, 2 सेकंड से रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ पर ये क्या है? ओ शिट, नहीं। और ये क्या है? वी साइन टू टेक फोटो। ओके वी साइन, अगर मैं कैमरा के सामने वी साइन करूँ तो साला रिकॉर्डिंग चालू करते कैमरा फ्रीज हो गया। व्हाट, ये तो येड़ा बना दिया। ओ शिट सॉरी, वाईफाई अपने आप स्विच कर लिया, खुद से वाईफाई स्विच मार रहा। देखो बोला मैं चेंज करने, नहीं ना मेरे को नहीं यूज करने का, बोलता है भाई वो वाले वाईफाई पे इंटरनेट नहीं है, मैंने स्विच कर लिया। देर छाड़ा, हम लोग रिकॉर्डिंग पहले चालू कर लेंगे फिर हम लोग इसको ऑन करेंगे। तो आई थिंक हम लोग इससे कंट्रोल गाड़ी को, ओ यस अपन गाड़ी को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो भी टाइम आ चुका है इस गाड़ी के टेस्ट का, हम लोग इस कैमरा वाले गाड़ी को अपने रैंप के ऊपर जंप करवाने वाले हैं। और अगर ये गाड़ी जंप कर गया तो अपन अपना जो आरसी कार का ट्रैक है उसको इसी गाड़ी के साथ कंप्लीट करने वाले। ऑल राइट गाइस, टाइम फॉर द चैलेंज इन 3, 2, 1। ओ शिट, ये चढ़ा ऊपर बट ये ऊपर चढ़ के ऊपर ही रुक गया। पहले तो इसका बैटरी हगा हुआ आया, दूसरा इसका कैमरा भी थोड़ा सा घूसा है। बट इस ऐप के अंदर ना एक वीआर वाला ऑप्शन है, तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये साला एक ही कैमरा एंगल को दो साइड दिखा रहा है, बोल दिया वीआर, वेरी गुड। और ये बटन से क्या ये जूम इन जूम आउट होता है? नहीं। बट एक सेकंड गाइस, यहां पर ना एक ऑप्शन है, ये हम लोग आई थिंक सो इसके स्पीड को पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये 40% पावर है और ये 100% पावर है। एक सेकंड गाइस, आई थिंक सो 100% पावर के साथ ये गाड़ी इस रैंप को आराम से जंप कर जाएगा। ट्राई करते हैं इन 3, 2, 1। भाई 100% पावर के साथ ये एक्चुअली जंप कर गया। बट अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी को हम लोग हमारे आरसी ट्रैक में नहीं यूज कर पाएंगे और उसका सबसे बड़ा रीजन है ये बैटरी। ये बैटरी गाड़ी के अंदर नहीं जा रहा है, बैटरी को मतलब ऐसे लगा के टेम्पोररीली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं बट ये ऐसे करके हम लोग इसको नहीं चला पाएंगे। गाइस एक लफड़ा हो गया, अपन ने लिटरली जितने भी आरसी कार आज ऑर्डर किए थे उनमें से एक भी आरसी कार अपना रैंप टेस्ट पास नहीं कर पाया, जिसका मतलब अपने पास अभी एक भी गाड़ी नहीं है जिस गाड़ी को अपन यूज करके अपने आरसी कार के ट्रैक पे चला पाएंगे। और मुझे लिटरली आरसी कार का ट्रैक कल बनाना चालू करना है। अच्छा गोटा क्या करने का अभी? अभी एक सेकेंड, अपन ने इसके पहले वीडियो बनाया था आरसी कार का ही गोटा, तो अपना सब पड़ा है आरसी कार किधर है? ओ भाई अपने को अपना ये पुराना वाला आरसी कार मिल चुका है और ये आरसी कार अपने पिछले वीडियो के लिए ऑर्डर किया था। और मुझे पता है कमेंट से बहुत लोग बोलते हैं कि ओनली लेजेंड्स नो कि रॉनी वीडियो बनाने के बाद सारे प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है, ओनली लेजेंड्स नो दैट। बट लेजेंड्स का थे, लेजेंड्स को नहीं पता ये सब पड़ा है, मेरा पूरा घर भरा पड़ा है सामान से। ये वाला आरसी कार अपने अभी तक पड़ा है, ये वाला आरसी कार सबसे ज्यादा खतरनाक था अपने पिछले वीडियो में। लिटरली इसको हमने नीचे ले जाके ट्राई किया था और ये भाई रेत वेत में चढ़ गया था पत्थरों के ऊपर। तो आई थिंक गाइस इससे बेटर आरसी कार अपने को नहीं मिल सकता इस वीडियो के लिए। ऑल राइट गाइस, तो जितने भी आरसी कार अपन ने ऑर्डर किए सबके सब फेल हो गए बट अपने पास ये एक लास्ट आरसी कार बचा है। मैं होप करता हूँ कि ये वाला आरसी कार अपना रैंप टेस्ट पास कर जाए। Let's go try. All right guys, अपने कार में बैटरी लगा दिया और ये कार चल रहा है। तो guys, now it is time कि ये गाड़ी रैंप टेस्ट करे। और guys, मुझे लग रहा है कि ये वाला गाड़ी पास कर जाएगा। Let's go घोटिया। In 3, 2, 1. भाई
आरसी कार जंप कर गया और जंप करने के साथ साथ ये पलटी भी नहीं हुआ। ओ शिट, कितने आराम से चढ़ा है। बट नहीं, घोटा रुक जा, अभी अपने को एक और टेस्ट करना है। क्या ये आरसी कार रैंप में आराम से स्लो स्लो चढ़ सकता है? क्योंकि अपने को इस आरसी कार की मदद से ब्रिजेस, मैंने गलती से ऐसा दबा दिया और गाड़ी पीछे आके गिर गया। तो गाइस, अपने को इस आरसी कार से ब्रिजेस पार करना है, अपने को इस आरसी कार को पहाड़ के ऊपर चढ़ाना है और नीचे उतारना है। तो गाइस, ये आरसी कार जो है इसको बहुत ज्यादा कैपेबल होना है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन इस कार को स्लोली स्लोली धीरे धीरे रैंप पे चढ़ाएंगे और देखते हैं क्या इस आरसी कार के टायर्स में इनफ ग्रिप है कि ये आराम से पहाड़ चढ़ सके। 3, 2, 1, लेट्स गो। तो ये अपना आरसी कार रैंप पे आ चुका है। रैंप के पास आके भाई, ये लिटरली रैंप के ऊपर चढ़ रहा है मस्त वाला। ओ यस गाइस, ये आरसी कार अपना ये काम कर पा रहा है। ओ भाई, तो गाइस अपन ने फाइनल कर दिया है कि अपने आरसी ट्रैक में अपन कौन सा गाड़ी यूज करने वाले, और वो गाड़ी है ये वाला। अपने पास ये वाला गाड़ी पड़ा था जिससे अपन लोग ये पूरा चीज कर सकते थे। फालतू में इतने सारे गाड़ी ऑर्डर करके तब पैसा बर्बाद कर दिया। अगले वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक खतरनाक सा आरसी कार का ट्रैक, और उस ट्रैक में गाइस लिटरली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर अगर नहीं हो सब्सक्राइब करो। मैं तुमसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।